हेलो एवरीवन, आज हम डिटर्मिनर्स टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे कि डिटर्मिनर्स क्या होते हैं और डिटर्मिनर्स का यूज हम कैसे करते हैं और सेंटेंस में इनका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे डिटर्मिनर्स की डेफिनेशन, कि डिटर्मिनर्स की डेफिनेशन क्या होती है और उसमें क्या क्या चीजें आती हैं. सो हेयर आवर टॉपिक इज डिटर्मिनर्स. हम आज डिटर्मिनर्स करेंगे. डिटर्मिनर्स आर द वर्ड्स विच प्रोसीड नाउंस. डिटर्मिनर्स वो वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन को प्रोसीड करते हैं. प्रोसीड करने का मतलब होता है नाउन से पहले आते हैं. एंड मॉडिफाइज देम. डिटर्मिनर्स वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन से पहले आते हैं और नाउन के बारे में बताते हैं कि हमारा जो नाउन है उसकी पर्टिकुलर प्लेस क्या है और वो किस तरीके से यूज हो रहा है और हमारे सेंटेंस को क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं. चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं. This book is mine. This book is mine. यह book मेरी है. इसमें हमारा जो book है वो है हमारा noun. क्योंकि हमें पता है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं. हम बात कर रहे हैं book के बारे में, कि यह book, यह किताब मेरी है. हम किताब के बारे में बात कर रहे हैं तो किताब हमारा क्या हुआ, नाउन. अब मैंने बताया डेफिनेशन में कि विच प्रोसीड्स नाउन, जो नाउन को प्रोसीड करे, मतलब उसके आगे नाउन आए, यानी कि उससे पहले वाला जो वर्ड है वो हमारा क्या होगा, डिटर्मिनर. तो यहां पर बुक से पहले क्या है, दिस. तो यहां पर दिस है वो है हमारा डिटर्मिनर. सिंपल सी बात है, किसी भी सेंटेंस में जब हम बात करते हैं किसी भी टॉपिक की या किसी भी नाउन की बात करते हैं तो उस नाउन से पहले जो चीज लगती है, जो वर्ड लगाया जाता है, वो होता है हमारा डिटर्मिनर. जैसे हमने किया था दिस बुक इज माइन, कि यह बुक मेरी है, यह किताब मेरी है. तो बुक हमारा नाउन है और दिस हमारा डिटर्मिनर है. अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं. दिस इज My book. अब यहां पे हमारी पोजीशन चेंज हो गई है. हमारी बुक की बात हो रही है लेकिन बुक से पहले हमारा यहां पर दिस नहीं है. बुक से पहले हमारा यहां पर क्या है, माई. माई भी हमारा क्या है, एक डिटर्मिनर है. और बुक हमारा क्या है, एक नाउन है. This is my book, यह मेरी किताब है. दोनों का मीनिंग सेम है. This book is mine, this is my book. लेकिन लिखने का तरीका अलग है. नाउन की पोजीशन चेंज है, डिटर्मिनर की पोजीशन चेंज है. तो हमारा माई जो है वो यहां पर हमारा क्या है, डिटर्मिनर. और बुक हमारा क्या है, यहां पर नाउन. आइए एक और एग्जाम्पल से करते हैं. Some students are intelligent. Some students are intelligent. कुछ बच्चे intelligent हैं. Some students are intelligent. अब इसमें बात हो रही है students की. तो students हमारा क्या है यहां पर, students है हमारा यहां noun. स्टूडेंट्स हमारा नाउन है और स्टूडेंट से पहले जो लगा है सम, कुछ. सम स्टूडेंट्स, कुछ बच्चे इंटेलिजेंट है. तो सम हमारा यहां पर क्या है, डिटर्मिनर है. अब हमें जब डिटर्मिनर की पोजीशन का पता चल जाता है, नाउन की पोजीशन का पता चल जाता है, तो उससे हमें सब्जेक्ट भी पता चल जाता है कि हमारा सब्जेक्ट सेंटेंस के अंदर क्या है. और सब्जेक्ट के साथ साथ हमें वर्ब का भी पता चलता है कि हमारी सेंटेंस में कौन सी वर्ब का यूज होना है. अब हम इसी तरीके का एक और एग्जाम्पल लेते हैं. सम आर इंटेलिजेंट. कुछ इंटेलिजेंट हैं. यहाँ पे हमें नाउन नहीं दिया गया है, नहीं बताया हुआ कि सम स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट या सम टीचर्स आर इंटेलिजेंट या कुछ भी.
हमें सिंपल कहा है सम आर इंटेलिजेंट, कुछ इंटेलिजेंट हैं. अब हमें नहीं पता ये बात किसके बारे में हो रही है, तो यहां पर नाउन नहीं है. सम जो है वो यहां पर हमारा डिटर्मिनर भी नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर कोई भी नाउन का यूज नहीं हुआ है, इसलिए सम जो है वो हमारा यहां पर डिटर्मिनर का काम ना करते हुए यहां पर क्या काम करेगा, प्रोनाउन का काम करेगा. ये हमें क्वालिटी बता रहा है कि सम आर इंटेलिजेंट, कुछ इंटेलिजेंट है, लेकिन ये नहीं बता रहा कि कुछ क्या इंटेलिजेंट है. तो यहां पर सम जो है हमारा प्रोनाउन के तौर पे यूज होता है. हम इसी से यही बताना चाहते हैं कि एक सेंटेंस में जहां पर नाउन का यूज हो वहां पे उससे पहले वाला वर्ड तो हमारा डिटर्मिनर होता है, लेकिन जहां पर हमारा नाउन नहीं होता वहां पे हमारा वही डिटर्मिनर क्या बन जाता है, प्रोनाउन बन जाता है. आइए एक और एग्जाम्पल से करते हैं. This is my pen. This pen is mine. यह मेरा पेन है और यह पेन मेरा है. यहां पर हमारा जो पेन है वो हमारा क्या है, नाउन है. पेन की बात हो रही है, पेन हमारा क्या है, नाउन. My जो है वो हमारा क्या हो गया, यहां पर डिटर्मिनर हो गया. इसी तरीके से this है वो हमारा यहां पर डिटर्मिनर है, और पेन जो है वो भी हमारा यहां पर क्या है, नाउन है. तो स्टूडेंट्स हम इसी तरीके से डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि हमारे सेंटेंस में हमारा नाउन कौन सा है, और अगर नाउन है नाउन के साथ हमारा डिटर्मिनर भी कौन सा है. इससे हमें नाउन के बारे में, प्रोनाउन के बारे में, सब्जेक्ट और वर्ब को ढूंढने में आसानी होती है. हम बेसिकली इजिली ढूंढ लेते हैं कि प्रोनाउन क्या होता है हमारे सेंटेंस में, लेकिन हमें नाउन को ढूंढने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए हम नाउन को डिटर्मिनर की हेल्प से इजीली ढूंढ सकते हैं. आइए अब हम करते हैं टाइप्स कुछ. अब हम करते हैं टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स, डिटर्मिनर्स की टाइप्स करते हैं. अब हम हमारी फर्स्ट टाइप आती है आर्टिकल्स. जैसा कि आप सबको मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि आर्टिकल्स टॉपिक हम कवर कर चुके हैं अच्छे से, कि आर्टिकल्स क्या होते हैं और आर्टिकल्स का यूज हम कहां कहां करते हैं. हमारे आर्टिकल्स होते हैं ए, एन, द. आपको इन तीनों का यूज आप लास्ट वीडियो देखेंगे उसमें क्लियर हो जाएगा कि ए का यूज कहाँ किया जाता है, एन का यूज कहाँ और द का यूज कहाँ किया जाता है. नेक्स्ट आते हैं हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव. डेमोन्स्ट्रेटिव क्या होते हैं हमारे? डेमोन्स्ट्रेटिव में हमारे आते हैं दिस, दैट, These और those. ये जो चार हैं ये हमारे आते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स में. इनका यूज भी हम आगे डिटेल में करेंगे कि this, that का क्या डिफ्रेंसिएशन होता है और these और those में क्या डिफरेंस होता है. नेक्स्ट आते हैं हमारे पोजेसिव. पोजेसिव में आते हैं हमारे माई, Your, yours, our, his, her, its, their. ये हमारे my, your, yours,
आर हिज हर इट्स देयर, ये सब हमारे जो आते हैं वो पजेसिव में आते हैं. जब हम बात करते हैं कि ये मेरा है, ये तुम्हारा है, ये उसका है, ये हमारा है, ये इसका है, ये उसका है, ये उनका है, ये सारी जो चीजें आती है पोजेसिव कि मेरा तुम्हारा, जब बात आती है तो वो सारी पोजेसिव में आती है. माई योर योर्स आर हिज हर इट्स देयर. डेमोन्स्ट्रेटिव में था दिस उसका, दैट उसका, दीज ये सब, दोज वो सब. ठीक है, इसके बाद थर्ड के बाद हमारा फोर्थ आता है क्वांटिफायर्स. क्वांटिफायर्स के अंदर हमारे काफी सारे आते हैं, जैसे कि ये देखिए क्वांटिफायर्स में आता है हमारा सम, एनी, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, ईच, एवरी, ईदर, नीदर, ऑल, बोथ, लेस, मच, मैनी एंड सो ऑन. ये सारे हमारे क्वांटिफायर्स में आते हैं. इन्हें हमने कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है कि हमारी फर्स्ट होती है आर्टिकल्स. जब भी हम ए एंड द की बात करते हैं तो वो हमारे आर्टिकल्स के अंडर फॉल करता है. जब हम बात करते हैं दिस दैट दीज दोज तो वो हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स के अंडर आते हैं. पोजेसिव में माई योर योर्स आर हिज हर इट्स देयर. क्वांटिफायर्स में हमारे ये सब आते हैं कि सम, गिव मी सम मनी, प्लीज गिव मी सम मनी, प्लीज लेंड मी सम मनी, प्लीज गिव मी अ लिटल वाटर, ईच एंड एवरी स्टूडेंट कम हेयर, नाइदर ऑफ यू विल कम, नाइदर यू और नोर शी विल कम देयर, मच मैनी लेस, ये सारे हमारे क्वांटिफायर्स आते हैं. आइए हम डिटेल में करते हैं इसे थोड़ा सा और. अब हम पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट जो है वो है हमारा पोजीशन ऑफ डिटर्मिनर्स. पोजीशन ऑफ डिटर्मिनर्स कि डिटर्मिनर्स की पोजीशन कैसे होती है और हम उनका कैसे उनकी पोजीशन को आगे पीछे करते हैं और कैसे पता चलता है कि नाउन की पोजीशन क्या है, प्रोनाउन की क्या है, डिटर्मिनर की क्या है. आइए एक एग्जांपल से पढ़ते हैं इसे. हमने लिया एग्जाम्पल इट इज अ पेन. सिंपल सा सेंटेंस लिया हमने इट इज अ पेन. यह एक पेन है. यहां पर जो पेन है वो है हमारा, यहां पर जो पेन है वो है हमारा नाउन. पेन की बात हो रही है तो पेन हमारा क्या है, नाउन. अब बात आती है दिस इज अ पेन, इट इज अ पेन. एक पेन की बात हो रही है तो अ जो है वो है हमारा यहां पर क्या, डिटर्मिनर. अ पेन, आपको बताया था अभी टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स में कि ए जो है वो हमारा आर्टिकल वाले डिटर्मिनर की टाइप में फॉल करता है. तो अ जो है हमारा वो क्या है, यहाँ पर डिटर्मिनर है. और पेन जो है वो हमारा नाउन है. कि पेन की बात हो रही है कि एक पेन है, इट इज अ पेन, एक पेन है. अब बात आती है इट इज अ ब्यूटिफुल पेन. यह एक सुंदर पेन है. इट इज अ ब्यूटिफुल पेन. यह एक सुंदर पेन है. अब वही बात, पेन है हमारा यहां पर क्या, नाउन. पेन क्या है हमारा यहां, नाउन. ए को मैंने अभी आपको बताया था, अ हमारा यहां पर क्या है, डिटर्मिनर है ए हमारा. सिमिलरली अब नाउन से पहले मैंने आपको बताया था डिटर्मिनर जो होता है वो नाउन को प्रोसीड करता है, मतलब नाउन से पहले आता है. पोजीशन ऑफ डिटर्मिनर समझाने का मतलब यही है कि जरूरी नहीं है कि नाउन हमेशा डिटर्मिनर के बाद आए, उनके बीच में और भी बहुत सी चीजें आ सकती हैं. यही हम एग्जाम्पल से प्रूव करेंगे. इट इज अ ब्यूटिफुल पेन. अब यहां पर जो ब्यूटिफुल है वो हमारा क्या है, यहां पर
एडजेक्टिव। ब्यूटिफुल क्या है हमारे यहाँ पर? एडजेक्टिव। पेन की विशेषता बता रहा है ये, नाउन की विशेषता बताने वाले को हम बोलते हैं एडजेक्टिव, जो हमें नाउन की विशेषता बताता है कि नाउन की पेन जो है वो हमारा ब्यूटीफुल है, बहुत सुंदर पेन है, और एक पेन है, एक को हमने बता दिया वो हो गया हमारा डिटर्मिनर। ब्यूटीफुल जब उसकी सुंदरता की बात आ रही है, पेन सुंदर है, तो वो हमारी विशेषता बता रहा है पेन की, कि पेन जो है हमारा स्पेशल है, वो ब्यूटीफुल है, उसकी विशेषता विशेषता बताई, तो ये हमारा क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। और पेन जो था वो हमारा क्या था? नाउन। तो इस सेंटेंस से ये क्लियर होता है कि ये कंपलसरी नहीं है कि डिटर्मिनर के बाद एकदम नाउन आएगा, उनके बीच में एडजेक्टिव भी आ सकता है। अब हम एक और एग्जांपल से समझेंगे। इट इज अ वेरी ब्यूटिफुल पेन। हमने एक ही सेंटेंस को तीन तरीके से पढ़ा। इट इज अ पेन, जिसमें हमारा क्या था? सिर्फ डिटर्मिनर और नाउन। इट इज अ वेरी ब्यूटिफुल पेन, जिसमें हमारा डिटर्मिनर और नाउन के बीच में क्या आ गया था? एडजेक्टिव आ गया था। अब बात आती है इट इज अ वेरी ब्यूटिफुल पेन। अब बात हमारी, ये था हमारा डिटर्मिनर, ब्यूटिफुल था हमारा एडजेक्टिव, पेन था हमारा नाउन। अब बात आती है वेरी, वेरी हमारा क्या है? वेरी जो है वो बता रहा है कि पेन जो है बहुत सुंदर पेन है, वो हमें विशेषता बता रहा है, पेन की जो हमने विशेषता बताई थी उसको और आगे मॉडिफाई कर रहा है, उसमें आगे और वर्ब लगा रहा है कि पेन, एक तो पेन सुंदर है, एक पेन बहुत सुंदर है, तो वेरी जो है वो है हमारा यहाँ पर क्या? एडवर्ब, जो वर्ब में ही हमने आगे ऐड किया है वो एडवर्ब है, जो हमारी ब्यूटीफुल होने को और ब्यूटीफुल बना रहा है वो है हमारा एडवर्ब। तो अब इससे ये पता चलता है कि डिटर्मिनर और पेन नाउन के बीच में एडवर्ब भी आ सकता है और एडजेक्टिव भी आ सकता है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज इट फॉर द डे। हम नेक्स्ट रूल जो है अपने नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।